नहीं है तो कमाने को है, रुपया तो बहुत है लेकिन कमाने को है, और कमाने का मन नहीं है अभी कमा अभी तुम्हारा झाड़ू पोछे का मन है। क्यों ऐसे हमारे यहाँ टाइल्स लगे हुए पर वो कहीं पर से टाइल्स लग नहीं रहे, इसलिए आज हम उसे टाइल्स लगवाएंगे। गाइस चल रहा है सफाई अभियान और एक दूसरे कर रहे हैं प्रेस, सब लगे हैं अपने अपने काम में। तो मैं बस लेटने से नहीं खुद सकता देख लो, मतलब बारे बारे इंसान को फ्री का बिस्तर मिल जाता है तो बस चाहता है कि बस थोड़ी में रख दे। मायके में आके उतारना होता है, पंखा चला दो बहुत तेज गर्मी है। नहीं पंखा नहीं चलेगा, आप सारा पसीना मेरे पूरा है, अभी हम जाके डूब जाएंगे। और लेकिन हम आपसे तो कह भी नहीं, तुमसे नहाते हाँ यार स्विमिंग पूल लेके आओ, समझ गाइस ये लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं ऐसे ही उनका चलता रहता है। चलो अब गर्मी बहुत लग रही है, पंखा बंद है, इसके बाद आपके पास जल्दी से टाइम ऑन हो जाए। प्रेस कर रहे हो, कपड़े धुल रहे हो, अब इस पर प्रेस रखते हैं, छन बोलेगा। छन बोलने के चक्कर में इतना पानी क्यों डाल दिया, कपड़ा खराब हो जाता है, गीले कपड़े को गर्म करो, कपड़ा और बढ़िया हो जाता, देखना आप कतई एक एक सिम्पल निकलेगी। ये देखो कतई ब्रांडेड हो गया ना इस शर्ट को हम पहन रहे हैं, इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है गाइस। ऐसे तो धोबी होते हैं ना प्रेस करते, धोबी भी प्रेस नहीं करते होंगे, प्रेस वाले जो होते हैं लॉन्ड्री में वो भी नहीं करते होंगे। जिस तरह से यहाँ पे प्रेस हो रही है, पूरा पानी लौट दिया गया, उसके बाद अभी पे छन आवाज़ सुनने के लिए मतलब एक्साइटेड हो रहा है कि छन आवाज़ आएगी। खरी पाल्टी लौटते छन सुनना, घर में जानवर बहुत बोलता रहता है, घर में एक जानवर बहुत बोलता है जो कि उसका नॉन स्टॉप मुँह चलता ही रहेगा बस। खैर ये महान काम है कि खुद प्रेस हो रही है, ये अच्छी चीज़ है, वरना तो मोहताजी कि कोई कर दे लाइक उन्ना कर दे, है ना उन्ना, ये तो का कमर इसके दिमाग पे गर्मी चढ़ी तो समझ में आ रहा है, वो झाड़ू लगा के आई तुम्हारे क्यों प्रेस की वजह से, वो बिलाल गर्म है क्यों मना कर रहे हैं, गर्म है उसके कोई वैक्सीन हो जाए कहीं पैर में नहीं बोल दे एक दे। अच्छा अब एक घंटा लेट ली झाड़ू लगा के, अब पोछा लगाने के लिए लेटेगी एक घंटा तो गाइस उन्ना के साथ वो हादसा क्या हंस नहीं तो गाइस उन्ना के साथ हादसा होते होते बचा है। अभी पागल हमें झाड़ू पोछा मत करा दिमाग चूड़ा कहते दिमागी संतुलन खराब हो जाता है। आप जल्दी से ये कपड़े निकालेगी ताकि जैसे ही नहा के निकले और बाथरूम में घुस जाए, गर्मी की बर्दाश्त नहीं है। हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अरे रोहन ऐसा कितनी तेज, रोहन मेरा इंट्रो सुन रहा था, रोहन रोहन इधर देखो। हाय गाइस, हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे कहते हैं अस्सलाम, रोहन हाय गाइस कर दो, हाय गाइस, हाय गाइस। कितनी गंदी लाइट पड़ती है इतना प्यारों में, मम्मी क्या कह रही, क्या दही अभी खा ली, अभी बाहर रखोगे तो बिल्कुल कर रहा, बाहर रखो ही रख दो, किचन बाहर रखो, किचन में रखो, मुझे आए हुए 3 दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं किया, इसीलिए मैंने सोचा कल से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा बहुत जो भी रहेगा। सो काफ़ी टाइम से कोई व्लॉग नहीं कर रही थी, मैंने सोचा चलो रेगुलर कर लेती हूँ, यहाँ पे हूँ तो थोड़ा बहुत अगर रहेगा तो शूट कर लूँगी और देखती हूँ कंटिन्यू कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा बहुत जो भी दिन भर का रहेगा जो एक्टिविटी रहेगी 4 से 5 मिनट या 10 मिनट तक का वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखे 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 देखा देखो लग रहा है, बस हवा खिट थक गई, चलते में खड़े होते आओ खाना खाए, तो पूछने का मतलब ही नहीं रह गया। आओ खाना खाए, भूख लग रही है, कर
तो गाइस दे रहे हैं, ये देखो ये फैन है ना, ये लग जाता है, इसलिए सब चेक कर रहे हैं कि किसके किसके सर पे लगेगा कि हमें नहीं लगेगा, तो लग ही रहा है कि फिर जब ये पैटर्न हम लोग तो ये बेड टाइप से ये तखत जिसे बोलते हैं वो पड़ा हुआ है तो उसकी वजह से लग जाता है। तो करते हैं भाभी वगैरह गाँव से, तो बातें बातें हो रही हैं, अब हम लोग खा लेते हैं खाना, उसके बाद आप चलते देखते हैं क्या बन रहा है। वो से गाँवी सो ये देखिए गाइस, जोहान ना बिस्किट खा रहे हैं और मैं जैसे ही कैमरा ऑन करती हूँ ये बस मुंह देखता रहता है, या तो कैमरे की तरफ या फिर अपने आप को मतलब पकड़ता है फ़ोन को, या फिर बस मेरा मुंह देखता रहता है अगर मैं कुछ बोलती हूँ। तभी मैं यहाँ पे कुछ भी बोल नहीं रही थी, बस मैंने ऐसे कैमरा ऑन किया उसकी तरफ कर दी, पर देखो कैसे मस्ती से बिस्किट खा रहा है। नहीं 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 गिलास नहीं यार, वो बोतल का चाहिए उसे। ये क्या कर रहा है? अंगा ने करा है, अंगा नहीं कर पाएंगे ये। यहाँ पे पोछा मारो बहुत, हम पहले पी पाले फिर मारेंगे। सब बर्फ गिरा हुआ है नीचे। भैया कुछ आए थे यहाँ पर, नहीं है पानी आए समझो। अच्छा मेरा शरबत लाल बहुत ठंडा कर दिया, अभी मेल्ट होएगा और अच्छे से। आवाज बंद हो जाए ऐसे अपनी, मतलब शरबत बिलाल का कहना है शरबत ऐसा पियो जिसमें आवाज बंद हो जाए उसके बाद फिर आवाज खुल जाएगी। चलो फटाफट से पी लेती हूँ शरबत में अपना ये नींबू का जो बनाया बिलाल ने, और उसके बाद मुझे व्लॉग एडिट करना है और उसके बाद उसे अपलोड करना है। तो मैं मिलूंगी आपसे शरबत पी के व्लॉग एडिट करके बाद। ये देखिए गाइस, मैंने पहने हैं अम्मी के बैंगल्स, अम्मी ने उतार के रखे थे ना, मैंने मुझे अच्छे लगे मैंने बस डाले, क्योंकि अम्मी का और मेरा साइज सेम है, मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैंने दोनों हैंडमेड से प्रॉपर पहन लिए, अच्छे लग रहे हैं। इसके क्या दिमाग चढ़े रहते हैं, इसके क्या दिमाग चढ़े रहते हैं, सोएगा। अच्छा अभी इन्हें रेड टी शर्ट उतारी, यहाँ बच्चों को इस तरह से रुलाया जाता है। लाइट ऑन कर लो कमरे, छुपा छुपा कैमरा देख के चलता है। अरे इन्हें तो ला लगाती घटिया, सो जाओ सच में सोएगा, सो रिया। ओ बिलाल के पास बच्चा कोई सो रिया। और देखिए मम्मी क्या बना रही हैं आज खाने में, क्या है मामा? तो मम्मी कहेंगे क्या चाहिए बताओ मिस मामा। तेल हो गया मम्मी बहुत तेज, क्या डालोगी है? अरे इसमें तेल हो गया, हम करे क्या डालोगी? हाँ थोड़ी वैसी रहे गले ना, वैसा तो नहीं है, थोड़ी ना भिंडी बनाई थी उसमें ऐसी हो गई थी। और ये यहाँ पे रायता है, तो वहाँ पे लग रही थी सीटी, बोलना था बेकार। तो अम्मी बना रही है लौकी का रायता, किस किस के यहाँ बनता है बताना कमेंट करके, बहुत ही यम होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ भाई हम तुम्हारे यहाँ बनता है, हमारे यहाँ बनता है, बात वही है। और साथ में बन रही है तुरई, और जो अरबी रहती है उसको साथ में सब्जी बनती है, उसको मतलब एक ही साथ ही बनाते हैं, वो बन रही है, वो भी बहुत अच्छी होती है। तो जल्दी से रायता बन जाए, मुझे बस रायता खाने के लिए मन कर रहा है, रायता बन जाए उसके बाद मैं रायता खाऊँ। सो गाइज इस ब्लॉग को ना यहाँ पर ही एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा, ये टूटे फूटे जो क्लिप्स वगैरह हैं थोड़ी बहुत वो मैं एडिट करके बस आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेक श्योर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।